शादी के बाद लुटेरी दुल्हन सब कुछ समेट कर चंपत हो गई, ऐसी खबरें तो आपने कई सुनी होंगी। मगर दो सगी बहनें लुटेरी दुल्हने बनकर ससुराल वालों को चूना लगाकर सब कुछ समेट करके ले गई, यह खबर कुछ अलग है। आइए आपको बताते हैं पूरी घटना। मामला उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद से है। एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। दो सगी बहनों ने दो सगे भाइयों से शादी की थी और दूसरे ही दिन ससुराल वालों को खीर में नशीला पदार्थ मिलाकर खिलाया, फिर नकदी और जेवर लेकर के चंपत हो गई। अपना मोबाइल फोन और तमाम जरूरी सामान भी ले गई। ससुराल वाले बेसुध पड़े थे, होश आया तो सीधा पुलिस के पास पहुंचे, रिपोर्ट दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस इन सगी बहनों की, जो कि लुटेरी दुल्हने हैं, तलाश में है। हरदोई में दो सगे भाइयों की शादी दो सगी बहनों से हुई थी। परिवार के साथ साथ नाते रिश्तेदार, पास पड़ोसी, दोस्त सभी खुश थे। गांव में महिलाएं इकट्ठा होकर ढोलक बजा रही थी, ढोल की ताल पर नाच गा रही थी। मगर क्या पता था कि ये खुशी केवल एक दिन की है, उसके बाद ये सब कुछ फना होने वाला है। सीतापुर के तंबौर थाना क्षेत्र के जालिम नगर निवासी राजकुमार ने गांव की ही रहने वाली दो सगी बहन पूजा और आरती की शादी टंडिया थाना क्षेत्र के भड़ियाल निवासी नरेश पाल के दो बेटों प्रदीप और कुलदीप के साथ कराई थी। शादी की सारी रस्में गांव के ही माँ काली के मंदिर में हुई थी, जिसमें तमाम लोग इकट्ठा भी हुए थे। दोनों भाई अपनी पत्नियों को विदा कराकर घर पहुंचे, लेकिन पूरे गांव में तब हड़कंप मच गया जब पता चला कि लुटेरी दुल्हने सारा नकदी और जेवर लेकर के फरार हो चुकी हैं। दरअसल हरदोई में दो सगे भाइयों की नेत्रहीन माँ बहुओं की लालसा में दोनों बेटों की शादी कराना चाह रही थी और इसके लिए उन्होंने सीतापुर के एक व्यक्ति से दोनों बेटों की शादी कराने के एवज में 80,000 रुपए का सौदा भी किया था। इसके बाद अपने बेटों को लेकर वो सीतापुर गई, जहां उन्होंने उस व्यक्ति को 78,000 रुपए दिए। वहीं 2,000 रुपए पहले ऑनलाइन ट्रांसफर किए जा चुके थे। अब जिस व्यक्ति ने पैसे लिए थे, उसने इन दोनों दुल्हनों को लड़के वालों से मिलवाया, नाम पता पूछा गया, शादी को लेकर के बातचीत आगे बढ़ी। कुल मिला के शादी होनी है, ये बात तय हो गई। अब शादी के लिए दूल्हे के घर वालों ने दोनों दुल्हनों के लिए लाखों के जेवर और कपड़े खरीदे। शादी की और तैयारियां कर ली गई। फिर गांव के ही काली माता के मंदिर में अग्नि के साथ फेरे लिए गए और इसके बाद पूरे रीति रिवाज के साथ धूमधाम से शादी संपन्न हुई। इसके बाद सास यानी कि लड़कों की माँ अपने बेटों और दोनों बहुओं के साथ अपने घर आ गई। घर पर गांव में ही हो रहे भंडारे से खीर आई थी, जिसे दुल्हनों ने घर वालों के सामने परोसा। अब शक है कि इसी खीर में नशीला पदार्थ मिलाया गया था। सुबह जब होश आया सब लोगों को, तो पता चला कि जेवर, कपड़े, नकदी, मोबाइल, हर कीमती सामान घर से गायब है। ये दोनों दुल्हने लुटेरी दुल्हने थी और ये सामान लेकर चंपत हो चुकी हैं। फिलहाल पुलिस से इसकी शिकायत की जा चुकी है और पुलिस छानबीन में लगी है। लेकिन जिस तरह से लुटेरी दुल्हनों ने पूरे घर पर हाथ साफ किया है, उसे देखकर सबको इनके शातिर दिमाग को मान रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। उत्तर प्रदेश की ऐसी छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए NDTV ऑनलाइन के साथ।